वक्फे के बाद प्रोग्राम कब तक में खुश आमदेद, और हम बात कर रहे थे कराची में फैली हुई टारगेट किलिंग और बदअमनी के बारे में। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रफीक इंजीनियर, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। रफीक साहब, मैं यहाँ पर आपसे ये सवाल करूंगी कि 3 साल आपकी हुकूमत के और उसके बाद माजी के भी अगर आप साल मिला लेते हैं तो टोटल कुछ 15 से 20 साल का फिगर आता है, तो इस शहर में कत्लो गारत गरी को ये फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रही, हमेशा से होती चली आ रही है। हर हुकूमत ऐलान करती है कि हम इसका कलाकुमा करेंगे, इसका फैसला किया जाएगा, कैफे किरदार तक मुजरिमों को पहुंचाया जाएगा। 15 से 20 बार रहमान मलिक साहब भी कह चुके हैं कि इसका इलाज होगा। आखिर ये इतना लाइलाज मर्ज क्यों होता चला जा रहा है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं तसी कर दूं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा और आज तक जो हमारा जो टिन्योर रहा है वो 12 बरस और 12.5 बरस के करीब, 5 साल भुट्टो साहब के। कराची की जो बदअमनी है वो यकीनन हम सब एलियान कराची इस पर परेशान हैं और अवाम भी उनमें अवाम में बेचैनी है, इस्तराफ है, खौफ है। मैं ये समझता हूँ कि कराची का जो हल है वो जब तक हम कोलेशन पार्टनर मसलियतों से बालातर होकर, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है जो हुकूमत में है, और इस जिम्मेदारी में कोई भी अपने आप को जो है अगर ये समझता है कि ये जिम्मेदारी मौजूदा जो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर है, ऐसा नहीं है। हम सबको मिलकर ही इसका हल हमने तलाश करना है। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल पार्टियों से मिलिटेंसी को ख़त्म करना है, और ये शहर जो है यहाँ पर अगर किसी उर्दू बोलने वाले को गन डाउन किया गया तो उर्दू बोलने वाले ये समझते हैं कि फलां पॉलिटिकल पार्टी ने किया, फिर उसके कुछ दिन के बाद पठानों का कोई बंदा गन डाउन हो जाता है, फिर इसी तरह बलोचों का हो जाता है। एक एथनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इंसान इंसान है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो, और कराची जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो है सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान की एक ये समझे कि शहर है और ये एक हब है। लेकिन हमने क्या किया है, हर सियासी हम अपनी सियासी मसलियतों को सामने रखते हुए एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ला इन्फोर्समेंट एजेंसियों को आज़ादाना तौर पर काम करने नहीं देते, और हर एक जो है ये कहता है कि मैं मजलूम हूँ, मैं मजलूम हूँ। अगर ये रविश रखी गई तो मैं आगे कराची का मसला हल हो। यहाँ पर हम शामिल गुफ्तगू करेंगे फैसल सब्जवारी को। फैसल, जैसे कि रफीक साहब फरमा रहे थे कि शहरग है कराची, तमाम तर कारोबार का और एक तरह का हब है, तो आखिर यहाँ पर सियासी मफाहिमत और मसलहत को सामने रखा जाता है? कौन रखता है सियासी मसलहत और मफाहिमत को, ये क्या सूरत हाल है? मेरे ख्याल में रफीक साहब ही इसका बेहतर जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं। रफीक साहब, जैसे कि आपने सुना कि फैसल सब्जवारी का ये कहना है, तो आपने जैसे कि कहा कि यहाँ पर सियासी मफाहिमत और मसलहत लोग सामने रखते हैं, कौन ऐसी सियासी मसलहतें और मफाहिमत सामने रख रहा है, क्या मफादात हैं आखिर? मुझसे सवाल है? जी जी, मसलहतें देखें, हम अपने पॉलिटिकल पार्टियों में जो है हम अगर ये तय कर लें कि मिलिटेंसी चाहे वो किसी भी शिकल में हो, कहीं भी हो, हमें उन लोगों को डिसोन करना चाहिए। तमाम ज़्यादातर जो जिम्मेदारी हम 3 स्टेक हम पार्टनर्स हैं, हम पर ज़्यादा हैं और आवाम की नज़रें हैं, आवाम हमसे पूछती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी पूछती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी पूछती है और अवामी नेशनल पार्टी से भी। ये शहर, ये तमाम जो कौमें हैं, ज़बान बोलने वाले हैं, सब इंसान हैं, और ये हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इनसे हम निमटें, और बल्कि जो है हम ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी हो, किसी भी सियासी जमात में हो, तो ये इस शहर को जब तक डीवेपनाइज नहीं किया जाएगा, इस शहर के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स को अलग नहीं किया जाएगा, इस शहर से जब तक ये लैंड ग्रैबर और दीगर ड्रग्स पैडलरों को अलग नहीं किया जाएगा, या पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने साथ मिलिटेंट विंग रखती हैं, वो पार्टियाँ जो मिलिटेंसी को पर यकीन रखती हैं, तो ये शहर तो मैं नहीं समझता कि ठीक होगा। हाजी साहब, यहाँ पर शामिल है गुफ्तगू, मैं चाहूंगा, मैं सोफिया जी जी बताइए बताइए जी जी। अब रफीक साहब ने बात की, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी पार्टी का कोई मिलिटेंट विंग है तो वो पॉलिटिकल पार्टी, सुनाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात जो रफीक इंजीनियर साहब ने की है, बिल्कुल जायज बात है
कि अगर किसी जमात के रैंक्स में मुजरमाना ज़हनियत वाले लोग हैं भी तो उन्हें अपने आप से अलहदा करना चाहिए, अपनी उस जमात से उनको निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये, बजाय इसके हम ये देख रहे हैं कि बाज़ जगहों पे मुजरिमों को शामिल करने की जो कोशिश हो रही है। और देखें, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, इंट्रो में कहा था, मुजरिम मुजरिम है जी, वो पैसे के लिए अपने मफाद के लिए बहुत सारे काम करता बिल्कुल। है। बिल्कुल, आप जैसे फैसल, यहाँ एक वक्त हो गया है मुख्तसर से वक्फे का, यहाँ पर हम ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मफादात और ऐसी कौन सी मफाहिमत है जिसकी वजह से ही तमाम तर सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन वक्त हुआ है अभी मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।